हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वर्षा रेसिपी चैनल। आज हमारे पास चार इडली बाकी है, तो उसी से बची हुई इडली से हम नाश्ता ज़बरदस्त बना रहे हैं, तो इसे हम साइड पे करते हैं और इसके हम चार पीस बनाए, चार छः जैसे भी आपको बनाने हैं इस तरह से बनाए। एक आधा कटोरी जितना हमने गोभी ली है, एक छोटा सा गाजर लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून हमने शिमला मिर्च ली है और आधा छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला लिया है। अभी इसे हम पीस कर देते हैं। अभी जो चार इडली है इसके हम पीस बना लेते हैं। इस तरह से चार छः जैसे भी आपको बनाना है आप बना सकते हो। देखिए, चार के बदले मैंने 6 बना दिए, मीन्स खाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी हम चलते हैं गैस की तरफ। अभी इसमें डालते हैं 1 टीस्पून जितना ऑयल और इसके साथ डाल देते हैं गोभी, गाजर और कैप्सिकम, तीनों साथ में डाल देंगे। और इसे हम चला लेते हैं। अभी इसे चला लिया है तो हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं नमक, ताकि जो सब्जी हमने ली है वो पक जाए। इसे पूरा पकाना नहीं है। थोड़ा सा नमक और वापस इसे हम चला देते हैं। अभी करते हैं इसे कवर। ध्यान रखना है कि हमें जो सब्जियां ली है इसे हमें पूरा गलाना नहीं है। वापस इसे हमने चला लिया है, कर देते हैं कवर। वापस इसे हमने चला लिया, ये देखिए। इसे वापस चला लेते हैं। ये बिल्कुल सब्जी कच्ची भी नहीं रहनी चाहिए और पूरी पकनी भी नहीं चाहिए, मीन्स हमें इसे मिडल में ही रखना है, ना कच्ची ना पक्की। वापस चेक कर लेते हैं। गाजर को थोड़ा सा और होने देते हैं। वापस करते हैं कवर। अभी वापस हमने इसका कवर हटा दिया है। एक बार इसे चला लेते हैं। गैस का फ्लेम वैसे मैंने लो रखा है, तो अभी इसमें डालते हैं टोमेटो सॉस। लगभग 1 टेबल स्पून जितना हम टमाटर सॉस डालेंगे। इसके साथ डाल रहे हैं चिली सॉस। आधा टेबल स्पून जितना, आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। इसके साथ डाल रहे थे सोया सॉस। आधा टेस्ट जितना और साथ में हमने जो गरम मसाला लिया है वो भी डाल देते हैं। पहले हम इसे चला लेते हैं। अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है, तो अभी हमने जो इडली के पीस बनाए हैं वो डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम कोट कर लेते हैं। बड़ा प्यारा टेस्ट लगेगा इसका। ये देखिए, अच्छी तरह से हमने कोट कर दिया है। जो मसाला हमने डाला है वो अच्छी तरह से इसे कोट हो जाए, तभी इसका टेस्ट बड़ा प्यारा आएगा।
अब इसे हम आधा मिनट के लिए मीन 30 सेकंड के लिए इस तरह से रख देते हैं। अभी इसे हम कवर नहीं करेंगे, इसी तरह से रखेंगे। वापस इसे एक बार चला लेते हैं। ये देखिए बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तब एक गैस का फ्लेम करते हैं और इसे हम लेते हैं सर्विंग प्लेट में। देखिए ये देखिए मैं पास से आपको बताते कितना बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखिए प्यारी सी रेसिपी हमारी रेडी हो गई। ये देखिए मैं आपको पास से बताती हूँ, तो ऐसा भी ये बढ़िया प्यारी तरीके से बन सकता है। ये देखिए इसका लुक देखिए, तो इस तरह से नया नया बनाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। पसंद आए तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए और आप बचे हुए इडली से क्या क्या बनाते हो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट देना ना भूलें। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और ना पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। और पसंद आई होगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए और उनको शेयर भी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।